हेलो फ्रेंड्स, मीनूज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं एक और व्रत की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। इसको हम व्रत में कोई भी पकौड़ी बनाते हैं, कोई भी जो भी हम कुट्टू का सामान बनाते हैं, किसी भी चीज़ का फलियारी बनाते हैं, उसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस चटनी को। इसके लिए मैंने लिए 4 टमाटर, अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च। इसमें डालेगा जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर, सेंधा नमक, काली मिर्च, ब्लैक पेपर यानी चीनी, देसी घी। इसको हम पैन में बनाएंगे। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, टमाटरों को रफली चॉप्ड कर लेंगे। अदरक के टुकड़े को भी कर लिया है, मिर्ची को भी कर लेंगे रफली चॉप। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इसको। पेस्ट बन गया है, पैन को गर्म करेंगे। इसमें एक छोटी चम्मच के करीब हम घी डाल देंगे। इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। गर्म होने के बाद इसमें जो टमाटर का पेस्ट बनाया है इसमें हम डाल देंगे। इसको लगभग अच्छे से भुनेंगे। इसमें जो हमने जार को धोकर आधा कप के करीब पानी डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको भुनेंगे। 4-5 मिनट भुनने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। एक चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, ढक देंगे इसको 4-5 मिनट के लिए और पकने देंगे इसको। फ्लेम को तेज करके देखेंगे, बहुत अच्छे से पक गई है हमारी चटनी। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। मैं 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ 4 टमाटरों में। आप अपने हिसाब से मीठा देख सकते हैं, आपको कितना मीठा रखना है। चटनी पककर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको चीनी डालेंगे, 2-3 मिनट पकाया है, गैस ऑफ कर दिया है। अब एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। ये चटनी ठंडी होने के बाद ही अच्छी लगती है। इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। इस चटनी को इस व्रत में बनाकर देखिए, आपकी चटनी बहुत अच्छी बनेगी। अपने एक्सपीरियंस को मिनूज किचन में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।